Assalamualaikum, 7th class. Hope you are all fine. In previous class, we have started our new topic that is stock exchange. हमने stock exchange के बारे में पढ़ना शुरू किया था कि stock exchange क्या होती है, stock exchange काम कैसे करती है, stock exchange में shares क्या होते हैं. Today we will complete this topic. Hundred of highly skilled workers sit at the computer screen or telephone connected to many of the world's capital. यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी यहाँ पे कंपनीज हैं, इनको डील करने के लिए, इनके शेयर्स को सेल और परचेज करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स होते हैं और वो वर्कर्स टेलीफोन पे कनेक्टेड होते हैं अपने कस्टमर्स के साथ. ठीक है, जैसे आपने टीवी में देखा होगा, कभी न्यूज़ में देखा होगा स्पेशली कि स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बता रहे होते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में आज इतना बिजनेस हुआ और आज इतना बिजनेस हुआ. तो आप एक पिक्चर देखें, यहाँ पर आपकी बुक में भी एक पिक्चर है, यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं स्टॉक, इनको स्टॉक ब्रोकर्स बोलते हैं. ये स्टॉक ब्रोकर्स क्या करते हैं कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हैं, जैसे आम जनरल पब्लिक है, अगर हम भी शेयर परचेज करना चाहते हैं तो हम इनको फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं और ये हमें बताते हैं कि किस कंपनी के शेयर्स जो हैं वो ज़्यादा आपको प्रॉफिट देंगे, उन शेयर्स को परचेज करें. अगर उस कंपनी का कोई डाउनफॉल आ रहा होता है तो वो कहते हैं इनको सेल कर दें ताकि आप को मिनिमम थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाए, अगर आप लॉस में नहीं जाना चाहते. इफ़ अ कंपनी हैज़ अ पुअर ईयर फॉर प्रॉफिट देन द शेयर प्राइस फॉल. इफ इट हैज़ अ गुड ईयर और बाइज अप अ राइवल फर्म द प्राइस ऑफ द शेयर्स राइजेस. ऐसा भी होता है कि अगर बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो उस कंपनी के शेयर्स की प्राइजेस कम हो जाती हैं और अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो शेयर की प्राइजेस इंक्रीज भी हो जाती हैं. ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्वेस्टर इज टू बाय शेयर्स व्हेन द प्राइजेस इज लो एंड सेल व्हेन इट इज हाई. जनरली हम अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम चाहते हैं कि वो ऐसी चीज़ खरीदें जिसकी प्राइस थोड़ी कम हो और जब उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो हम उस चीज़ को सेल कर देते हैं. इसकी एग्जाम्पल हम गोल्ड की एग्जाम्पल ले लेते हैं. जब गोल्ड थोड़ा सस्ता होता है वो हम उसको क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं और जब गोल्ड की प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं तो हम उसको सेल करके प्रॉफिट लेते हैं. ठीक है, तो शेयर्स भी ऐसे ही होते हैं. शेयर्स आप जब प्राइसेस थोड़ी लो होती हैं लोग उसको परचेज करते हैं और जब शेयर्स की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं तो लोग उनको सेल करके प्रॉफिट अर्न करते हैं. मिलियन ऑफ बिजनेस, जो मिलियन का जो बिजनेस है, बहुत सारे पैसों का बिजनेस इसमें इन्वॉल्व होता है और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं. स्टॉक ब्रोकर जो वहाँ पर बैठ के काम कर रहे होते हैं, लोगों को डील कर रहे होते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब है, लेकिन वो इसके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम नहीं करते, वो इसके लिए पैसे चार्ज करते हैं, मनी चार्ज करते हैं. दिस इज़ काइंड ऑफ अ सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस पे करते हैं और उस सर्विस के लिए आपको चार्ज करते हैं. ठीक है, आज हमने सिर्फ सिंपल इस टॉपिक को हमने कम्प्लीट कर लिया है. इससे रिलेटेड हमारा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिया था वही हम करेंगे. जस्ट लिसन द लेक्चर.